प्रिय छात्रों, जैसा कल हमने पढ़ाया था उससे आगे देखें। देखो नोट में लिखा है, यदि वाक्य में इन्फिनिटिव से पहले नॉट का प्रयोग किया गया हो तो संयोजक दैट के बाद नॉट नहीं आता। आप भी जानते हैं अगर पहले से वाक्य नेगेटिव है तो फिर डबल नेगेटिव नहीं आता है। नेगेटिव पहले से, देखो ट्रांसफॉर्मेशन हम पढ़ा रहे हैं और ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ यही होता है, यदि नेगेटिव है तो अफर्मेटिव बनाएंगे और अफर्मेटिव हो तो नेगेटिव बनाएंगे। क्यों? ट्रांसफॉर्मेशन की परिभाषा होती है ऐसे दो वाक्य जिन वाक्यों की रचना अलग अलग होती है लेकिन उनका स्वभाव, उनका अर्थ एक होता है, उसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इस वजह से नॉट पहले से दिया हो तो नॉट का प्रयोग नीचे नहीं करते। जैसे देखो ये लिखा है, सी इज टू क्लेवर नॉट टू सी थ्रू। तो इसमें देखो आप नॉट पहले से दिया है तो नियम कहता है कि सी इज टू की जगह सो क्लेवर और नॉट पहले से दिया है तो नॉट का प्रयोग नीचे नहीं होगा। जब नॉट का प्रयोग नहीं होगा तो टू के स्थान में क्या आएगा? दैट, क्योंकि वाक्य हमारा जो नया वाक्य होता है वो कॉम्प्लेक्स के रूप में आता है तो दैट आया तो दैट के बाद करता करता हमारा इसमें आगे सी है तो पीछे भी सी आ जाएगा सी। अब कैन आया है, कैन नॉट क्यों नहीं आया? क्योंकि पहले से नॉट था तो यहाँ पर नॉट नहीं आएगा, तभी वाक्यों का अर्थ सेम करते हैं तो कैन सी थ्रो है। अच्छा तो वहाँ पर कैन लगा है, अब यहाँ पर हम सी विल भी, विल का प्रयोग जैसा हम बता चुके हैं कि जब भविष्य के बारे में अनुमान लगाया जाता है तो कैन का प्रयोग कर सकते हैं और विल का प्रयोग कर सकते हैं। वर्तमान में कोई कार्य इस समय कर रहा हो, चल रहा हो तो वहाँ पर डू डज का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब देखो नोट में क्या लिखा है, नेवर एडवर्ब टू से पहले, अगर ये टू दिया होता, अगर इससे पहले नेवर दिया हो पहले हो तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी नेवर दिया हो तो नेवर, नेवर दिया हो तो आगे जो नॉट, जैसे इसमें यहाँ पर देखना है कि अगर पहले से नॉट दिया होता तो नीचे नॉट नहीं आता था, लेकिन अगर पहले से नेवर दिया है तो नॉट आएगा। देखो ये लिखा है, इट इज टू, इट इज नेवर टू लेट टू मेंड, मेंड मीन्स होता है सुधार के लिए, सुधार के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, इसका सुधार नहीं हो सकता है। तो इट इज नेवर सो लेट दैट वन, वन का प्रयोग आप जानते हैं ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, आगे कोई है नहीं, निर्जीव है तो इसके लिए हमें दैट के बाद अगर, क्यों कार्य तो कोई करने वाला होगा, कार्य करने वाला होगा सजीव, तो सजीव में कोई भी लड़की हो सकती है, लड़का हो सकता है, स्त्री पुरुष, तो इस वजह से हम वन इंडेफिनिट का प्रोनाउन करते ताकि किसी के लिए प्रयोग किया जा सके। तो वन कैन नॉट मेंड, तो इसमें देखो नॉट का प्रयोग किया है, हाँ अगर यहाँ पर नॉट टू होता तो नीचे नॉट का प्रयोग नहीं आता, क्यों? नेवर से अर्थ बदल जाता। फिर भी नहीं समझ में आया तो आप ये देखो, क्योंकि ये टू आता है तो ये जो एडवर्ब से पहले नेवर आ रहा है इसका कोई मतलब नहीं होता है, ये सेम टू सेम नीचे आता, लेकिन यहाँ पर टू आता है और दैट के बाद ये वाला भाग बाद में जाता है तो इस वजह से यहाँ अब इनकी भूमिका होने लगती है, ऊपर भूमिका आगे नहीं होती क्योंकि दैट के बाद का अर्थ चिन्ह हो जाता है। अच्छा फिर देखें, ही वाज टू लेट टू हियर द फर्स्ट स्पीच, पहला भाषण सुनने के लिए ये वह बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, लेट था, तो ही वाज सो लेट दैट ही कुड नॉट, अगर पास्ट में है बाज है तो हम कहें कुड नॉट हियर द फर्स्ट स्पीच। अच्छा अब देखो कुड नॉट दिया है तो यहाँ पर ही वाज सो लेट दैट ही डिड नॉट, कुड नॉट की जगह आप डिड नॉट का प्रयोग कर सकते हैं, पहले मैंने बता दिया है अगर पास्ट में है तो कुड नॉट का प्रयोग कर सकते हैं और कुड नॉट रहे तो डिड नॉट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बिल का वुड नॉट नहीं कर सकते। बिल वाला तभी आता है जब वाक्य वर्तमान में उसका भाव दिया हो, वर्तमान में उसकी चर्चा हो रही हो, ये वर्तमान नहीं है तो वहाँ पर ये केवल पास्ट का ही रूप दर्शाता है, बिल का वुड करके पास्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि उसका अर्थ चेंज होने लगता है, फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता है, केवल अनुमान रूपी टेंस होता है। फिर देखिए क्या नियम नंबर दो, जब वाक्य का कर्ता नॉन लिविंग यानी निर्जीव हो तो दैट के बाद वन, नोबडी और नोवन में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन नोबडी या नोवन लगाने के बाद वाक्य साधारण अर्थात अफर्मेटिव ही बनेगा। बिल्कुल सही बात है, देखो वाक्य का कर्ता नॉन लिविंग हो निर्जीव तो देखो हमें
इंग्लिश है, इंग्लिश इज टू हार्ड टू लर्न, अरे सीखने के लिए अंग्रेजी बहुत ज़्यादा कठिन है। तो बहुत ज़्यादा कठिन है तो कोई सजीव ही तो सीखेगा, तो सजीव सीखेगा तो इसका मतलब होता है कोई स्त्री या पुरुष, स्त्री या पुरुष सीखेगा। तो न तो यहाँ पर हम स्त्री का नाम ले रहे हैं ना पुरुष पुरुष का नाम, एक ऐसा अनिश्चित रख दे रहे हैं जो सभी के लिए कॉमन होता है। तो इंग्लिश इज सो हार्ड दैट वन लगा दिया है, दैट वन कैन नॉट लर्न इट। देखो हाँ, जब निर्जीव होता है तो बाद में इट का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब डेट के बाद एक वाक्य ये हो गया, डेट के बाद ये वाक्य हो गया, कम्प्लेक्स का रूप बन गया। अच्छा एक बात और बताएं, वन एक इंडेफिनिट प्रोनाउन, जब वाक्य का कर्ता निर्जीव होता है तो वहाँ पर हमें इंडेफिनिट लगाना पड़ता है, क्योंकि नियम तो ये कहता है कि प्रोनाउन आएगा, लेकिन प्रोनाउन इंग्लिश को इंग्लिश थोड़ी नहीं सीखेगी, कोई तो सीखेगा, जो कोई सीखेगा तो वो सजीव होगा, सजीव होगा तो हम पर्टिकुलर लड़कों के लिए लड़कियों के लिए नहीं कर सकते, हमने कॉमन कर दिया वन। तो वन के स्थान पर हम नोबडी का भी प्रयोग कर सकते हैं, इंग्लिश इज सो हार्ड दैट नोबडी कैन लर्न इट, नोबडी का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप जानते हैं वन एक अफर्मेटिव होता है, नोबडी नेगेटिव होता है, वन आएगा तो आपका नेगेटिव बनेगा, लेकिन नोबडी जब प्रयोग कर लिया जाएगा तो नेगेटिव नहीं बनेगा, फिर आगे बाद नोबडी के बाद आके हमें आगे अफर्मेटिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि नोबडी स्वयं में नेगेटिव है। ओके थैंक यू, और इसके बाद में वो थोड़ी एक्सरसाइज की पिक यानी तस्वीर खींच के डाल दे रहा हूँ, तो आप एक्सरसाइज लगाना और आप क्रम से ही पढ़ेंगे, ये नहीं है कि ये वीडियो है तो आप काम चल जाए, काम नहीं चलना है, आप सीखेंगे, हम तसल्ली से बढ़िया पूरा पूरा सिखाएंगे, कोई काट पेच नहीं होगी, फर्स्ट क्लास, लेकिन धीमे धीमे चल पाएगा, क्योंकि क्लास में एक घंटा मिलता है, यहाँ का 5-6 मिनट मिलती हैं, तो इसी हिसाब से हम कर पाएंगे, लेकिन आप अपने सीखते रहिए।